वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सिवई। ये सिवई अपने नाम की तरह बहुत ही रिच और टेक्सचर में क्रीमी होती है और टेस्ट तो लाजवाब होता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल में बारीक और रोस्टेड वाली सिवई लेके हाथों से क्रस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो फूड प्रोसेसर का भी यूज़ कर सकते हो। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी गरम करके मीडियम फ्लेम पर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ सिर्फ बादाम और पिस्ता लिया है, रफली कट करके यूज़ किया है। बस ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, बस हम निकाल के साइड में रख लेंगे। अब उसी पैन में और 2 टेबलस्पून देसी घी गरम करके सिवईयों को भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। मैंने यहाँ सिवई ऑलरेडी रोस्टेड वाली ली है, बट हम इसे एक बार बहुत अच्छे से स्लो फ्लेम पे क्रंची होने तक रोस्ट करेंगे। सिवईयाँ अच्छे से रोस्ट हो गई है, कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम 1/3 कप पाउडर शुगर और साथ ही 1 पैकेट बादाम मिल्क पाउडर डाल लेंगे। इसके जगह पे आप 2 से 3 टेबलस्पून कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक शुगर सिवईयों के साथ डिजॉल्व ना हो जाए। नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर शुगर डालने से क्या होगा, शुगर जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा और शुगर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। शुगर और सिवईयाँ एक जान हो गई है, अब इसे हम एक डिश में सेट करेंगे। 60-70% सिवईयों को हम इस डिश में डाल लेंगे और बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे। स्पैचुला या मेजरिंग कप से आप प्रेस कर सकते हो सेट करने के लिए। एक कप दूध लिया है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के मिक्स करेंगे और एक साइड में रख लेंगे। कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ वनीला फ्लेवर का लिया है। अब यहाँ मैंने एक पैन में 3 कप फुल फैट मिल्क लिया है। ये दूध ऑलरेडी बॉइल्ड किया हुआ है, फिर भी हम इसमें एक बॉइल आने का वेट करेंगे। आप देख सकते हो एक बॉइल आ गया है दूध में। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डाल के चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली। और साथ ही मैंने यहाँ 100 ग्राम कंडेंस मिल्क भी यूज़ किया है और मिक्स करते रहेंगे कंटिन्यूसली। मैंने यहाँ 1 पैकेट MTR बादाम ड्रिंक मिक्स और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर यूज़ किया है। इनको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क मेड के जगह पे आप चाहे तो 1/2 कप शुगर और 1/2 कप मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो। हमें तब तक इस मिक्सचर को पकाना है जब तक कि स्पैचुला पे लेयर फॉर्म ना होने लगे, और जब इस तरीके से होल बनने लगे हम इस मिक्सचर को गर्मा गर्म ही ट्रे पे जो सिवईयाँ सेट की हुई थी उस पे डाल लेंगे। अब जो बची हुई 1/2 सिवईयाँ थी उनको भी डाल के हम हल्के हाथों से प्रेस करके सेट कर लेंगे। ऊपर से फ्राइड ड्राई फ्रूट्स डाल के फॉइल से कवर करके सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे कम से कम 5 से 6 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए रखोगे तो परफेक्ट सेट होगा। मैंने यहाँ सेम प्रोसेस से छोटे छोटे ग्लास में भी सेट किया है बच्चों के लिए, और इस तरीके से ऊपर से क्रंची और अंदर से क्रीमी टेक्सचर का नवाबी सिवई बनके तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो 1 टाइम सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपकमिंग रेसिपीज़ के लिए। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।